नमस्कार विद्यार्थी मित्रों एवं हमारे सारे दर्शक आज हम आपके सामने जिस विषय पर जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय का शीर्षक है महादेवी जी की काव्य साधना हम भलीभांति जानते हैं कि छायावाद के शिरमोर प्रवर्तकों में महादेवी जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है उनका परिचय मैं आपसे करवाऊँ जीवन परिचय की झांकी में देखें तो 24 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में गोविंद प्रसाद वर्मा के और माता हेमरानी देवी की कुक से उनका जन्म हुआ प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत के साथ उन्होंने उन्नीस नवासी में एम किया इसके अतिरिक्त केवल ये अभ्यास और पाठ्यक्रम यही सारी चीज़ों की अपेक्षा उनका रुझान जो है अधिक कहाँ था वे दर्शन शास्त्र चित्र में संगीत में शिक्षा के साथ साथ उन्होंने काव्य में भी पर्याप्त अपना काम किया है उनके नाना उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि एक समवयस्क होते होते उसकी शादी हो जाए उसी के परिणाम स्वरूप नातिन के विवाह के आग्रह के कारण महादेवी जी की शादी तो हुई पर वे नवाबगंज ससुराल गए इलाहाबाद से वे लौट आए उन्होंने यहाँ तक अपने पति से भी कहा कि मेरी कोई रुचि इस प्रकार घर बसाने में नहीं थी मैं तो केवल अपनी साधना में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ और इसीलिए वो इलाहाबाद लौट आई जहाँ उनके पिताश्री का निवास था प्रयाग विद्यापीठ में वो सर्वप्रथम अपने अभ्यास के उपरांत प्रधान आचार्य पद पर नियुक्त हुई कालांतर में उन्होंने बहुत ही बचपन से अपनी लेखनी प्रारंभ कर दी थी और इसी की बदौलत 12-13 वर्ष की आयु में ही उनकी कविताएं पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी कालांतर में उन्होंने चांद और साहित्यकार पत्रिकाओं का संपादन भी किया बचपन से ही उनका रुझान कविता की ओर रहा है और जैसे जैसे मैंने अभी बताया आपको बारह वर्ष की आयु में चांद में उनकी कविताएं प्रकाशित हुई और क्रमशः होती रही उनके लेखनी के कमाल की ओर अगर हम नज़र डालें तो उन्होंने पद्य और गद्य दोनों में समान रूप से लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है यहाँ चूंकि हमें उनके काव्य पक्ष को और काव्य साधना की ओर ही दृष्टिपात करना है इसीलिए यहाँ मैंने उनकी केवल काव्य कृतियों की बात आपके सामने रखी है उनका प्रथम काव्य संग्रह 1930 में निहार प्रकाशित हुआ तत्पश्चात दो वर्ष के बाद रश्मि काव्य संकलन प्रकाशित हुआ निर्जा का प्रकाशन वर्ष है 1934 और सांध्य गीत जो है वो 1936 में प्रकाशित हुआ सांध्य गीत के लिए एक विशेष बात है जो मैं आपको आगे करना चाहूँगी लेकिन इतना बताती हूँ कि सांध्य गीत का शब्दार्थ है संध्या के गीत लेकिन संध्या के गीत शीर्षक उन्होंने दिया है तो उसके पीछे उनका मूल उद्देश्य क्या रहा है आधुनिक कवि और यामा ये उनके सांध गीत के पश्चात का उनका काव्य संकलन है दीपशिखा आगे हम चर्चा करेंगे दीपशिखा उन्नीस में प्रकाशित हुआ है बंग दर्शन में अधिकतर उनके अनुवाद है और सप्तपर्णा एक विरल उनका अनुदित काव्य संकलन का संग्रह है हिमालय 1966 में प्रकाशित हुआ है समय समय पर जीवन के आयामों के साथ कविता के विषय और शिल्प में भी प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं ऐसी कमाल की लेखनी महादेवी जी की रही है विशेष बात यह है कि महादेवी जी आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा महादेव जी को दी गई है उसके विषय में मैं इसलिए बात नहीं करूंगी कि हमारी साथी जो रेणुका जी है उसके विषय विशे में विशेष चर्चा करेंगे आपसे इन्हीं सारे आ, साहित्य की और दृष्टिपात करते हुए डॉक्टर भालचंद्र कहते हैं निहार छायावाद का प्रथम शुद्ध निष्पादन है छायावाद का प्रथम शुद्ध निष्पादन का अर्थ हम क्या करेंगे मित्रों अर्थात छायावाद में या छायावाद संज्ञा का जब वहाँ पर उल्लेख हुआ और प्रयोग में आया तत्पश्चात जो लक्षण छायावाद के साहित्यिक रूप से आ, मुकरर हुए उन तमाम छायावादी लक्षणों का महादेवी की कविताओं में पूरा पूरा उपयोग हुआ है इसमें माधवी की आत्मानुभूति और आत्म, आत्मा भी व्यंजना का विसर्जन है यह शब्द के माध्यम से हम देख सकते हैं कि निशा को धो देता राकेश निशा को धो देता राकेश चांदनी चांदनी में जब अलके खोल अर्थात चांदनी जब बिखर जाती है और निशा जो है उसका काल समाप्त होता है निशा चांदनी छटती है चांदनी बिखरती है तो तिमिर का अंधकार जो है वो धुल जाता है कली से कहता था बदमाश बता दो मधु मदिरा का मोल यहाँ मदिरा से नशा करने वाले लोग जो है वो मदिरा का एक भौतिक अर्थ लेते हैं लेकिन आपको क्या लग रहा है रेणुका जी नहीं लगता कि ये यह यहाँ जो मदिरा है मधु मदिरा की बात है ये, ये, ये जो दोनों संयोग है वो अमृत के अर्थ में के ये मदिरा पान कराने की बात है और वो स्नेह और प्रेम की मदिरा की बात महादेवी जी करते हैं। आपकी क्या राय है इसमें न, न, मैं बिल्कुल आप महादेवी जी तो रहस्यवादी थी अध्यात्म की मदिरा है ये जी। ये ऐसी मदिरा है कि जिसका जिसका नशा कभी नहीं उतरता जी। मैं मानती हूँ कि जहाँ तक भौतिक आपने बहुत सुंदर शब्द कहा भौतिक है जी। कुछ लोग मदिरा पीकर अपने आप को भूलना चाहते हैं वास्तव में वो अपने को नहीं भूलते भुलावा देते हैं दूसरे को लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में रहस्यवाद में मदिरा अपने आप में ईश्वर के प्रति ईश्वर की साधना में ओत प्रोत हो जाना अपने आप को भूल जाना उस मदिरा की बात वो कर रही है, कर रही है। तो आपने है। बिल्कुल सही कहा कि ये मदिरा को भूल कर भी हमारे विद्यार्थी मित्र ये न सुक्ष्म, समझे हाँ, वहां पर हाँ, हमें स्पर्श करता हुआ नजर आता। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा इसमें उन्मिलन उन्मेघ के साथ विस्मय भी है जिज्ञासा भी है यहीं से तो छायावाद की नई भावभूमि के दर्शन होते हैं उनकी दूसरी रचना की और अगर हम आगे चले तो रश्मि में मुक मिलन और मुक प्रणय के चित्र उभर कर आते हैं अब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या मिलन कभी मुख होता है मिलन तो मुखर होता है प्रणय भी मुखर होता है पर क्या ये जो बात कह रही है वहाँ मीरा की संज्ञा जो है उभर कर आती है साथ में वो मौन रूप से अपने अंदर प्रियतम के साथ मिलन करती है। जैसा कबीर साहब कहते हैं कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे जी, पास यानी आत्मा सो परमात्मा परमात्मा और आत्मा दिखते नहीं है दोनों एक दूसरे के करीब, करीब है। है। तो उस समय आवाज नहीं होती वो अंतर में मिलन की बात है आपने सही कहा यस इन कविताओं में उपनिषद एवं गीता का प्रभाव परिलक्षित होता है इन कविताओं में परम सत्ता के प्रति जिज्ञासा और कुतूहल की भावना भी स्पष्ट झलकती है तो इस प्रकार रश्मि में हमने जो वैविध्य देखा निर्जा उसके बाद का उसका काव्य संकलन है निर्जा का अर्थ है वेदना और वेदना के जल से उत्पन्न अनुभूतियाँ मनुष्य मात्र संवेदनशील व्यक्ति है भावुक है और तमाम प्रकार की भावनाओं का वो अधिकारी इसी की बदौलत वे वेदना जो है उसको भी भुगतता है और सुख आनंद और खुशी को भी वो भोगता है इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर मिर्झा में हम देखते हैं कि इस संग्रह के गीतों में कवियत्री की वेदना आकुलता सघन रूप धारण कर बरस पड़ी है बरस पड़ी है अर्थात ये कोई बादलों की बारिश नहीं है लेकिन ये जो पीड़ा कोई भी मनुष्य संवेदनशील है जो पीड़ा की अनुभूति करता है तो तुरंत ही उसको चोट पहुंचती है चाहे वो खुलकर बरसे चाहे आँखों में जलजला आ जाए लेकिन ये पीड़ा की अभिव्यक्ति न चाहने पर भी मनुष्य की आँखें कर देती है पर यहाँ तो उनकी वेदना जो है उनकी आकुलता जो है उस परम सत्ता को पाने की क्योंकि उसने उसे प्रियतम का एक रूप देख लिया है और इसीलिए वो इस लौकिक जगत से उस अलौकिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए जब वो नहीं मिलते उसकी राह में आंखें बिछाए बैठी रहती है तब जो नजर नहीं आते दर्शन नहीं होते उसकी पीड़ा उसे मारती है पुलक पुलक उर सिहर सिहर तन आज नयन ने क्यों आते भर भर आज आंखें क्यों भर आती है छावाद के सिरमोर और प्रवर्तकों में महादेवी का नाम बड़े गौरव के साथ इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी गीतकार है और उन्होंने अपनी भावना अपनी संवेदना मुखर अगर अभिव्यक्त की है कहीं पर तो वो है उनके गीत उनके लय गीत तत्पश्चात आने वाली उनकी एक काव्य संकलन है इस शीर्षक का अर्थ है सांध्यकालीन गीत जिसमें मिलन के पूर्व की प्रतीक्षा छिपी हुई है आज आप लौकिक रूप से देखें तो सुबह से ताम पर गया हुआ मनुष्य शाम को लौटता है लौटने पर परिवार से मिलन की एक आस और चाह लेकर उत्सुकता से परिवार में और घर में प्रवेश करता है यही उत्सुकता मिलन की उत्सुकता महादेवी जी की किसके साथ उस अलौकिक सत्ता के साथ तो ये संध्या के समय क्योंकि रात्रि में निरव शांति में हम एकाकार हो सकते नैना बिन मैम ये भी सोच रही हूँ कि शायद ये जीवन संध्या की बात है जी बिल्कुल मुझे जीवन संध्या, संध्या भी है, है कि जीवन में भी जब संध्या काल आता है जी. ये संध्या काल का आशय हमारा ये नहीं है कि ये वो संध्या हो कि शाम में धुंधला हो जाए प्रतीकात्मकता है, मैडम, हाँ, है। ये।, ये संध्या है हमारे जीवन, जीवन की संध्या उत्तरावस्था है उत्तरावस्था उत्तरावस्था जहाँ हम ईश्वर से मेल चाहते हैं परमात्मा से मिलन चाहते हैं शायद मैं मानती हूँ मैडम यही वो कहना चाहती हो बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जीवन की उत्तरावस्था की बात आपकी बिल्कुल सही है लेकिन प्रतीक रूप से जीवन की संध्या के साथ उन्होंने दिवसावसान का समय जो है हाँ, उसे भी जुड़ा है यानी जैसा कि छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि मानवी प्रकृति का मानवीकरण बिल्कुल सही मनोभावों को उन्होंने प्रकृति के साथ जोड़कर उन्होंने प्रस्तुत किया ये छायावाद की बस, और रोमेंटिसिज्म की एक बहुत बड़ी बात लक्षण उसका पूरा गुथा हुआ हुआ है कवियत्री की मानसिक आध्यात्मिक साधना का राग है इन गीतों में राग अर्थात क्या मानसिक स्तर से सोचते हुए चिंतन के बल पर हम जिस अध्यात्म के मार्ग पर विचरण करते हैं विकास करते हैं और हमारा दिल हमारा हृदय हमारी आत्मा एकान्वित हो जाती है यह है राग राग बहुत ही अर्थ लेकर महादेवी के गीतों में गूथा गया है संध्या का वातावरण मनोमुग्धकारी शांत होता है। साधक चौदीश फैले रंगीन सौंदर्य में इष्ट के प्रति एकाग्र भाव से समर्पण करता है वैसे संध्या पूजा की भी बहुत बड़ी हमारे भारतीय संस्कृति भारतीय संध्या, के संध्या पूजन, पूजन का बहुत ही बड़ा महत्व बहुत महत्व है तो उसी चीज को भी यहाँ संदर्भित करते हुए कवियत्री शायद बात कर रही हो ये ये आप सही <coughs> कहते संध्या की जाती है हमारे आस्था में संध्या का जो भक्ति का एक भाग है उसमें संध्या का भी महत्व है वो आपने सही कहा जी यही भाव पूजा अर्चना इन लयबद्ध शब्दों में दृष्टिगत होता है फैलते हैं सांध नभ में भाव मेरे ही रंगीले फैलते हैं सांध नभ में भाव मेरे ही रंगीले तिमिर तो दीपावली है रोम मेरे पुलक गीले बंदिनी बनकर हुई मैं बंधनों की स्वामी निसी खुद बंदिनी बनना चाहती है किसके साथ उस परम सत्ता उस अलौकिक जगत जिसमें वो बंध कर उस परम सत्ता के साथ जुड़ना चाहती है ससीम और असीम एकाकार हो गया है ये संध्या नव सारी रंगीनियाँ चारों ओर दीपावली और उसका पुलक पुलक कर अपना रोम रोम रंगीन हो जाना तो इसमें ससीम और असीम ससीम माने मनुष्य असीम माने जो असीमित है जिसकी सत्ता असीमित है उससे एकाकार हो गए हैं ससीम भावों की चेतना ने ही बाह्य को आकार दिया है यहां हम इस सृष्टि की इस जगत की बात करते हैं कि ये सारे आकार प्रकार भाव सुख दुख ये